देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। सितारगंज में आने वाले बरसात के मौसम को लेकर क्षेत्र की नदियों में जलभराव से नगर क्षेत्र को कोई नुकसान न हो, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एसडीएम तुषार सैनी की तरफ से राजस्व, सिंचाई और वन विभाग की टीमों के साथ सिडकुल शक्ति फार्म के बीच से होकर बहने वाली सूखी नदियों का निरीक्षण किया गया और जहां जहां नदी में जलभराव के कारण क्षेत्र को नुकसान हो सकता है उसका जायजा लेते हुए बरसात से पहले रिवर ट्रेनिंग के जरिए नदी की सफाई को लेकर मुआयना किया गया है। बता दें कि हर साल बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने से शक्ति फार्म क्षेत्र के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निर्मल नगर और रुद्रपुर में हमने इंस्पेक्शन किया है, जो कि हमारी रिवर ट्रेनिंग नीति है उसी के मानकों के अकॉर्डिंग हम इसमें जो अब मानसून उपरांत का जो सत्र है इसमें कराएंगे, जिससे कि आने वाले वर्षा काल में जो है नदी किनारे बसे जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, जैसे ये सिडकुल का एरिया है, इसको जो है कटाव से बचाया जा सके। हरिद्वार में नामी सोसाइटी जोर्स कंट्री में रहने वाले लोग फ्लैट खरीदते समय दी जाने वाली सुविधाएं ना मिलने से नाराज होकर सोसाइटी के बाहर धरने पर बैठ गए। सोसाइटी जोर्स कंट्री में रहने वाले लोगों ने बिल्डर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जोर्स कंट्री रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले धरने पर बैठे लोगों ने मांगे पूरी ना होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। सस्ती एसोसिएशन के जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोर्स उत्तराखंड का सबसे बड़ा घोटाला है और आज उन लोगों ने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा है, जिस पर नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा गया। वहीं नायब तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी के बताया है कि उन्होंने पक्ष विपक्ष दोनों को बिठाकर मामला समझाने की कोशिश की है और जल्द वो जिलाधिकारी को पूरी स्थिति से अवगत भी करा सकते हैं। 2011 से लेकर आज तक 2021 हो गया, किसी भी प्रकार का इस सोसाइटी को सर्टिफिकेशन HRDA से नहीं हुआ है। न तो इनको कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, न इनके पास किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर का रिपोर्ट है कि हाँ जो मटेरियल लगा है वो किस तरह का लगा है, क्या लगा है, वो प्रूवन है। ठीक है, इन्होंने लिख रखा कि हमने भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाई है, तो जोन फोर के हिसाब से, तो न तो उसका कोई सर्टिफिकेट है किसी इंजीनियर का, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा कोई एजेंसी है ही नहीं जो ये सर्टिफाई कर दे कि ये बिल्डिंग जो है भूकंप रोधी बिल्डिंग है। तो एक तो फॉल्स सारे स्टेटमेंट इनके, किसी प्रकार का इनका कोई लीगल सर्टिफिकेशन नहीं है सोसाइटी का। रुड़की में लगातार हो रहे चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने में गंग नहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने शहर में हो रही चेन स्नेचिंग की घटना का खुलासा किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने चेन स्नेचिंग करने वाले इमरान नाम के एक चोर को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दो घटनाओं में लूट की गई सोने की चेन भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार चोर को जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो रुड़की का ये पूरा मामला जहां पर पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया है। दरअसल लगातार शहर में चेन स्नेचिंग की घटनाएं बढ़ रही थी, जिसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। आखिरकार पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। ये गंगनहर थाने में जो लगातार चेन स्नेचिंग की घटनाएं बढ़ रही थी उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ हमारे संज्ञान में कुछ मामले आए थे, उसमें पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किए थे। जो लगातार मॉर्निंग के समय मॉर्निंग वॉक करते समय कुछ लोगों द्वारा जो है चेन स्नेचिंग की घटनाएं की गई थी, आज उसका खुलासा किया गया है। इसमें दो अभियुक्त इसमें पकड़े गए, इसमें एक जो है नाबालिग है उसको किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जा चुका है और एक जो इमरान है उसकी अरेस्टिंग की जा चुकी है। दो इसमें जो अभियोग हैं उसकी हम लोगों ने उसको खुलासा किया है और इनसे दो चेन स्नेचिंग के साथ साथ और काफ़ी हम लोगों ने जानकारी भी इनसे प्राप्त की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कीचा पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना संबोधन शुरू करने से पहले बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला को बधाई देते हुए कहा कि विधायक राजेश शुक्ला मेरे पुराने मित्र हैं, मेरी तरफ से मेरे मित्र को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में हमारी सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करने में विश्वास रखती है और हम उस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। सरकारी विभागों में 24,000 से ज्यादा रिक्त पदों को मंत्रिमंडल में भरने का फैसला लिया गया है, जिसकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड सरकार ने सभी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को
माफ करते हुए युवाओं को राहत देने का काम भी किया है। नैनीताल में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए जहां सामाजिक संगठनों ने बीड़ा उठाया है, वहीं अब पुलिस प्रशासन भी इसके लिए स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को नशा मुक्त करने का मंत्र सिखा रहे हैं। आपको बता दें कि तलीताल के थाना प्रभारी रोहिताश सागर ने पुलिस कर्मियों के साथ जाकर नशे से दूर रहने के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित किया। वहीं आम जनमानस ने भी अपील की है कि नशे की बुराइयों से दूर रहें। इस दौरान उन्होंने पर्चा भी बांटा और कहा कि कोई भी परेशानी हो तो पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। तो नैनीताल में नशे को जड़ से हटाने की मुहिम लगातार सामाजिक संगठन तो कर ही रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी अब इसमें एक अनोखी पहल कर रहा है। छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति मंत्र सिखाया जा रहा है। देखिए, उच्चाधिकारी गणों द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चला रखा है, उसी के क्रम में हम लोगों ने आज स्कूल में जाकर के बच्चों को जागरूक किया है और हम आए दिन इस प्रकार के अभियान चला रहे हैं, जनता को भी जागरूक कर रहे हैं जिससे लोग नशे की गिरफ्त से बच सकें। और यदि कहीं पर नशे से संबंधित कोई तस्करी की सूचना मिलती है तो उसके लिए हमने नंबर भी प्रोवाइड कराए हुए हैं और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड का एक और लाल देश के लिए शहीद हो गया। रुड़की के गांव धनौरा के रहने वाले 38 साल के सोनित कुमार सैनी गुवाहाटी में शहीद हो गए। वो करीब 3 हफ्ते पहले घर पर छुट्टियां बिताने के बाद वापस देश सेवा और सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर लौटे थे। उनकी शहादत की खबर के सामने आने के बाद पूरे रुड़की धनौर क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि शहीद सोनित कुमार सैनी 22 सितंबर को आर्मी के जवानों के साथ गाड़ी में गुवाहाटी से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। इसी बीच अचानक गाड़ी पलटने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सोनित कुमार सैनी छुट्टियां मनाकर वापस ड्यूटी पर लौटे थे। तो गुवाहाटी में शहीद हुआ धनौरी गांव का वीर और पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही छुट्टियां मनाकर वापस ड्यूटी पर लौटा था जवान। रुद्रप्रयाग के बर्मापट्टी के धाती दिग्धार में सैनिक स्कूल निर्माण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने बजट देने से सख्त इनकार कर दिया। ऐसे में क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ ही कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल में सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया है। ऐसे में उन्होंने आंदोलन छेड़ने का मन बना लिया। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के नेता मोहित डीमरी सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर 17 अक्टूबर को निर्माण स्थल धाती दिग्धार में उपवास कर बैठेंगे। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी, कांग्रेस पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी, स्थानीय ग्रामीण कालीचरण रावत ने कहा है कि सैनिक स्कूल के निर्माण के नाम पर बीजेपी सरकार जनता को गुमराह कर रही है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद केंद्र सरकार ने बजट देने से साफ इनकार कर दिया है। जनता जन आंदोलन करने को तैयार है, अर्थात जब सरकार कोई काम नहीं करती है, सरकार जब स्वीकृत योजनाओं को धरातल पे नहीं उतारना चाहती है तो सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन भड़कता है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, यहाँ पर सैनिक बाहुल्य क्षेत्र ही कहा जाता है इसको। यहाँ पर अनेकों सैनिक रहते हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के हर घर में एक सैनिक अवश्य मिलेगा। देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बर्मा क्षेत्र के ठाटी दिग्धार में सैनिक स्कूल निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। यह कार्य सिर्फ 2 वर्षों तक ही चला, जिसमें करीब करीब 10 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च कर दी गई, जिसमें भारी भरकम अनियमितताएं सामने आई थी। इसके बाद भाजपा सरकार सत्ता में आई, सरकार के विधायकों ने हर बार जनता को यह भरोसा दिलाया कि सैनिक स्कूल के लिए बजट स्वीकृत करवाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा पूर्व मुख्यमंत्री ने शिलान्यास भी किया, लेकिन अभी तक सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य
शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में स्थानीय लोग खुद को ठगावा महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल लंबे समय से सैनिक स्कूल निर्माण की मांग करता आ रहा है। इसको लेकर हमने यह निर्णय लिया है कि हम 17 अक्टूबर को निर्माण स्थल थाती दिग्धार में एक दिवसीय उपवास करेंगे। अगर जल्द सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता तो एक बड़ा आंदोलन इस पूरे क्षेत्र में किया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि 8 से 8 साल पहले सैनिक स्कूल की नींव कांग्रेस की सरकार में रखी गई थी, केंद्र में भी कांग्रेस थी और राज्य में भी कांग्रेस थी, और उस समय जो है भरपूर पैसा भी जो है स्वीकृत किया गया, और जिस क्षेत्र में इस सैनिक स्कूल का शिलान्यास हुआ उस क्षेत्र में विकास के लिए लोगों से उड़ान पंख भी उन पर उड़ान के लगे कि विकास होने वाला क्षेत्र का, और बड़ी प्रसन्नता भी जनपदवासियों को हुई। लेकिन अब जाके जो है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वहाँ अपार वहाँ जो है भूमि का स्थानांतरण हो गया। आपका कई जो है राजकीय निर्माण निगम के माध्यम से जो है कई प्रकार के निर्माण कार्य तो वहाँ पर जो है शुरू किए गए, लेकिन अब जाके सुनाई दे रहा है कि ये जो है प्रस्ताव ही केंद्र ने इनका खारिज कर दिया राज्य सरकार का वित्त के लिए, तो बड़े जो है आश्चर्यजनक बात हो रही है। और ये सवाल तो जो है जो तत्कालीन विधायक थे आज जो कोटद्वार से विधायक हैं हरक सिंह रावत जी उनसे भी होना चाहिए। जारी है, ग्रामीण भी खासा नाराज नजर आ रहे हैं। सितारगंज में विधिविधान से पूजा अर्चना के बाद 12वें दिन की रामलीला का शुभारंभ हुआ। मंच का संचालन एडवोकेट अमित रस्तोगी ने किया। वहीं बालकृष्ण लीला संस्थान वृंदावन के कलाकारों ने सीता हरण, शबरी मिलन, सुग्रीव मित्रता, लंका दहन आदि की लीला का सुंदर मंचन किया। मंचन के दौरान COVID-19 की गाइडलाइंस का पालन भी किया गया है। द्वारा हर वर्ष रामलीला का मंचन कराया जाता है। इस वर्ष 1 तारीख से लगाकर 15 तारीख दशहरा तक रामलीला का मंचन होगा। आज सीता हरण, बाली सुग्रीव, राम सुग्रीव मित्रता, बाली वध और लंका दहन का मंचन किया जाएगा। हजारों की संख्या में लोग आए हैं क्योंकि दशहरा नजदीक आ गया है और लास्ट के 4-5 दिनों में बहुत लंबी भीड़ होती है और लोग प्रभु के लीला का मंचन देख रहे हैं और बड़ा उत्साह लोगों में है क्योंकि पिछले वर्ष रामलीला का मंचन नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार बड़ा उत्साह के साथ सब लोग आ रहे हैं और रामलीला को देख रहे हैं। लालकुआ कोतवाली पुलिस ने कच्ची शराब के खिलाफ अलग अलग टीमें बनाकर क्षेत्र में ताबड़तोड़ अभियान चलाए। अभियान के दौरान पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बता दें कि सहायक पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार और कोतवाल संजय कुमार के निर्देश पर कोतवाली पुलिस के साथ ही हल्दचूड़ चौकी पुलिस ने क्षेत्र के 2 स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस टीम का नेतृत्व हल्दचूड़ चौकी इंचार्ज तारा सिंह राणा ने किया। इस दौरान पुलिस ने जयपुर बीसा गांव और गोलाघाट क्षेत्र में 2 शराब तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की, जिसके पास से कच्ची शराब बरामद की गई है। वहीं दोनों तस्करों को जेल भी भेज दिया गया है। लक्सर क्षेत्र के आबकारी इंस्पेक्टर का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में लक्सर के आबकारी इंस्पेक्टर शिव प्रसाद व्यास किसी शख्स से रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये आबकारी इंस्पेक्टर शिव प्रसाद व्यास एक होटल के कमरे में आराम फरमाते हुए किसी शख्स से नोट लेते दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि रिश्वत देने वाले शख्स ने ही इंस्पेक्टर का वीडियो बनाया है। वीडियो में इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि वैसे लिफाफे में डालकर लिया करो, फिलहाल ये पैसे किस काम के लिए और किस एवज में लिए गए हैं अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। नैनीताल के ग्राम हली रतिघाट में ग्रामीण हेम जोशी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि सड़क बनाने के नाम पर वन विभाग की मिलीभगत से दर्जनों पेड़ों को काट दिया गया। उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक को इसकी सूचना दी, पर गांव के कुछ लोगों और उनके भाइयों की तरफ से जानलेवा हमला किया जा रहा है। आपको बता दें कि हेम जोशी ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अपनी सुरक्षा की मांग भी की। हेम जोशी का कहना है कि पेड़ों को काटकर तस्करी लगातार की जा रही है।
प्रशासन को दे रखी है, मैंने हर किसी को दी, एसडीएम तहसील कोशिया कोटोली को दी और डीएम नैनीताल को दी, मेरी कोई भी अर्जी में गौर नहीं किया गया। मात्र एक अर्जी में गौर किया गया, वो उस समय शेष कुमार जी माननीय एसडीएम शेष कुमार जी थे, तो तब उन्होंने ज्ञान पद वो किया, तो मुझे सरपंच के कहने पर और ग्राम प्रधान के इन लोगों के कहने पर इन लोगों ने मेरे को 354/506 के तहत जेल कराई। मैं बड़ा दुखी हूँ और मैं देश प्रेमी जो हैं, पर्यावरण प्रेमी जो हैं, जो मेरे पहाड़ के हित में मेरे पहाड़ को बचाना चाहते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो मेरा साथ दें और ये पर्यावरण और पहाड़ को बचाने में मेरा सहयोग करें। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।